हाय गाइज, वेलकम बैक गाइज। हम सबको पता है सैमसंग एक फेमस ब्रांड है, फेमस कंपनी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की। गाइज यहाँ पे सैमसंग दो मोबाइल फोन को लॉन्च कर रहा है भारत में, और ये लॉन्च करने से पहले ही हो गया लीक। गाइज ये मोबाइल फोन काफी बजट में आने वाला है, यानी कि 9000 से 12000 के बीच में ये मोबाइल फोन हमें देखने को मिलेगा, और काफी सारी फीचर्स के साथ सैमसंग लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर इस मोबाइल फोन को। और यहाँ पे सैमसंग पूरी तरीके से Xiaomi और Redmi पे भारी पड़ने वाली है। गाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग के ये कौन दो मोबाइल फोन है जिसकी प्राइस हमारी बजट में है और अच्छे फीचर्स के साथ ये भी हो गई है लीक। गाइज आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मिस्टर खान, और आप देख रहे हैं डिजिटल गियर यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। वेलकम बैक गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गाइस यहां पे हम बात करते हैं सैमसंग के दो मोबाइल फोन हो गए हैं लीक। गाइस यहां पे सैमसंग ने अपनी नई मोबाइल फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर दी है, और यहां पे इस मोबाइल फोन की सीरीज होगी एम सीरीज। जी हां दोस्तों, गैलेक्सी M10 और M20 इस मोबाइल फोन का नाम है। गाइस यहां पे सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो यहां पे आपको मिल जाएगा सैमसंग की गैलेक्सी M10 8999 रुपए शुरुआती कीमत के साथ, और मिल जाएगा M20 12999 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपको मिल जाएगा वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले, और साथ ही साथ मिल जाएगा सैमसंग इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है, सैमसंग के काफी अच्छी फीचर्स है ये। तो गाइस यहाँ पे सैमसंग की ये दोनों मोबाइल फोन हो सकती है जनवरी 28 को लॉन्च भारत के अंदर, और ये मोबाइल फोन होगा मेड इन इंडिया, यानी इस पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। गाइस यहाँ पे पूरी तरीके से सैमसंग Xiaomi को टक्कर दे रही है, Redmi को टक्कर दे रही है, क्योंकि मेड इन इंडिया है तो काफी लोग पसंद करेंगे इंडिया में, और सैमसंग की वैसे भी मोबाइल फोन काफी अच्छी मिलती है। गाइस इन दोनों मोबाइल फोन में हमें देखने को मिल सकता है ड्यूअल लेंस रियर कैमरा सेंसर, और गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 8.1 ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस सैमसंग की तरफ से ये दोनों मोबाइल फोन को लॉन्च करने का एक खास मकसद है, यानी 2019 में सैमसंग कंपनी यानी सैमसंग ब्रांड की 10वीं सालगिरह है, और हमें पता है कि कोई भी बंदा अपनी सालगिरह पे यानी अपनी शादी की सालगिरह या फिर अपनी कंपनी की सालगिरह पे कुछ ना कुछ ऑफर्स देता ही है। तो गाइस यहां पे सैमसंग की तरफ से काफी अच्छी ऑफर्स मिलने वाली है। अगर आपको कोई नया मोबाइल फोन बाय करना है तो आप इसका वेट कर सकते हैं, और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और भी डिटेल आपको जानना है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं। तो गाइस यहां पे हमें वेट करना है कि हमें देखना है कि सैमसंग की मोबाइल फोन हमारे लिए अच्छी होती है, बजट में होती है, विद अच्छी फीचर्स के साथ होती है, या फिर रेडमी की मोबाइल फोन होती है। तो गाइस ये थी वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।